हेलो 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 हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू ऑल मोटर ब्लॉगर्स। जो जो लोग मोटर ब्लॉग बनाते हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मुझे पता चल गया, पहले तो मैंने लिया था एडाप्टर लिया था मोटर ब्लॉग बनाने के लिए, बट कुछ प्रॉब्लम होता है इसी वजह से मैंने एडाप्टर भेज दिया था। अभी फिर से मैंने ले लिया, माइक लिया, मीडिया मोड लिया। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ये मेरा गाँव क्रॉस कर रहा हूँ, अभी चेक कर रहा हूँ मतलब मोटो ब्लॉगिंग कर पाऊँगा कि नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताना, मतलब मेरा आवाज़ प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, कैमरा एंगल ठीक है कि नहीं, सब कुछ आप लोग मतलब कमेंट करके बता देना। कभी कभी डेली ब्लॉग्स की तरह मोटो ब्लॉगिंग भी मिलेगा आप लोगों को। आप लोग तो हमेशा से देखते आए हैं कि मैं बाहर जाता हूँ, घूमता हूँ, आप लोगों को जगह दिखाता हूँ। मोटो ब्लॉगिंग भी करूँगा अभी से, डेली ब्लॉग्स तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार, जो लोग डेली ब्लॉग करते हैं ना, वो लोग मतलब लास्ट में कुछ नहीं होता है दिखाने के लिए, तो लास्ट में हक देते हैं यूट्यूब पर, ऐसा लगता है मुझे। मेरे साथ जा रहे हैं टाटा एंड निर्मूल भी जा रहा है, उन लोग पीछे स्कूटी में आ रहा है। एंड यहाँ पर शायद नाकाबंदी चल रहा है। ये जो रोड है ये कनेक्ट करते हैं तेजपुर के पास में ही एक जगह है जिसका नाम है नोलतोली से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं वहाँ पर गुवाहाटी नारंगी पर मायोंग होके। मेरा सेनोरिटा अभी तक चल चुकी है 2391 किलोमीटर, सेकंड सर्विसिंग इसका 2500 किलोमीटर पर, कल या परसों तक सेकंड सर्विसिंग देना पड़ेगा। फर्स्ट सर्विसिंग में ओनली सिंथेटिक जो ऑयल है उसका दाम रखा था, सेकंड सर्विसिंग में आई थिंक नॉर्मल चेकअप करके दे देगा, क्योंकि 6000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल फिर से चेंज होगा, पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा भाई साहब। एंड हाफलॉन्ग जाके तो मेरा मतलब पॉकेट खाली हो गया, कि 2000 की तेल चला गया हाफलॉन्ग पर, पेट्रोल भरा लेते हैं हम। यहाँ पर दो दो पेट्रोल पंप है। तो सामने जा रहा है आकिफ एंड नियामुल स्कूटर पर, एंड हमेशा की तरह नियामुल ने आज भी हेलमेट नहीं पहना। आप लोग कमेंट करके गाली देना नियामुल को, हेलमेट क्यों नहीं पहनते हैं, हेलमेट लगा के घर से निकलना चाहिए। एंड वहाँ से मैंने पेट्रोल नहीं भराया, सामने से भराना पड़ेगा मुझे, और दो दो बैटरीज लेना पड़ेगा गोप्रो के लिए, वरना मोटो ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। अगर कहीं ट्रिप पर निकल जाऊँगा बाइक लेके तो बैटरी तो ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, एक ही बैटरी है मेरे पास। तो यहाँ से तेजपुर 20 किलोमीटर कोलियाब और 5 किलोमीटर काजीरंगा 64 किलोमीटर। यहाँ पर थोड़ा रोड ख़राब था बट यहाँ पर ठीक कर दिया, बहुत ही अच्छा बना दिया अभी। एंड यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी दे दिया थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि 100% स्ट्रीट लाइट दे देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट लाइट देने से अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है रोड पर रात को गाड़ी चला के, बाइक चला के। बहुत सारे जगह पर ऐसे ऐसे हाईवेज है जहाँ पर मतलब रिफ्लेक्टर देते हैं, वो सब भी नहीं रहते हैं। हमने तो एक्सपल्स इसीलिए लिए था सेडलिंग करने के लिए, तो मेरे से एक गलती हो गया, वहाँ से मैंने पेट्रोल नहीं भराया था बाइक पर, तो अभी तेल खत्म हो गया था, थोड़ा हिला दिया बाइक को, तो अभी फिर से चल रहा है बाइक। तो जल्दी जल्दी पेट्रोल पंप पर जाते हैं वरना फंस जाएंगे हम यहाँ पर, मतलब थोड़ा देर हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर इतना धूप पर, अगर आप लोग आसाम से है देन आप लोगों को पता होगा कितना ज़्यादा गर्मियाँ चल रहा है आसाम में, 36-37 ऐसा टेम्परेचर चल रहा है। तो इतनी गर्मियों में मतलब मुझे रोड पर रुकना होगा, देन न्यामुलन आकिब जाके मेरे लिए पेट्रोल लाएगा, फिर जाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी हम चला जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला था दो दो बार मतलब वार्निंग देते हैं, देखे फिर मतलब ख़त्म होते हैं, मतलब स्टार्ट ऑफ हो जाते हैं। दूसरी बार ऑफ होने से पहले हमको पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा। बाय द वे गाइस, अभी मैं बाइक चला रहा हूँ NH 37 पर, तो ये रोड कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट अपार आसाम मतलब डिब्रूगढ़ तक, डिब्रूगढ़ होके देन अरुणाचल घुस जाते हैं। हनी बेच रहा है रोड पर। तो अभी अभी मेरे बाइक के सामने एक आंटी आ गया था, अगर मेरा कॉन्सेंट्रेट कहीं और होता तो आंटी को उड़ा देता मैं, क्योंकि आंटी मतलब फटाक से आ गया है रोड के बीचों बीच। रोड क्रॉस करते वक्त देख लेना चाहिए रोड पर बाइक या गाड़ी है कि नहीं। तो हमको मिल गया है पेट्रोल पंप, यहाँ से ही हम पेट्रोल भरा लेते हैं। अगर आप लोग निकल के जाते हो कहीं पर तो हेलमेट लगाओ यार, मतलब पुलिस के डर से नहीं यार, सेफ्टी के लिए लगाओ। अगर आप आज एक्सीडेंट हो जाते हो, आप गिर जाते हो नीचे एंड आपका सर जाके
मतलब रोड पर लगेगा। मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ उसका नाम है ओसाका माइक। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत दिनों से यही माइक यूज कर रहा है। आप लोग शायद जानते होंगे MMH ब्लॉग मोहम्मद मेहताब हुसैन। तो ये माइक एक्चुअली ऑनलाइन पर अवेलेबल नहीं मिलता है, तो मैं 2-3 दिन पहले गया था गुवाहाटी। गुवाहाटी जाके फिर मेहताब को लेके लाकटुक किया, जाके ये माइक ले लिया। दो माइक लाया मैंने, क्योंकि अगर एक माइक ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँगा, मतलब मोटो व्लॉग नहीं बना पाऊँगा। इसी वजह से दो माइक ले लिया मैंने। बाकी आप लोग बताना कमेंट करके नीचे, आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, क्योंकि मेरा जो चैनल है मुझे लगता है डेथ हो चुका है। बहुत लोगों तक मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं पहुँचते है। तो अगर आप लोग थोड़ा शेयर करेंगे एंड कमेंट करेंगे तो YouTube भी रिकमेंड करेगा लोगों के सामने। बाय द वे हम लोग आके पहुंच गए हैं जखलाबंदा। यहाँ से 5 किलोमीटर जाने पर स्टार्ट हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। हम लोग काजीरंगा की प्रॉपर अंदर नहीं जाएंगे, साइड से चला जाएंगे। भाई 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 मुझे साइड दे दे थोड़ा, क्योंकि धीरे धीरे जाने पर मेरा इंजन हो जाता है हीट। ये मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मोटो ब्लॉगिंग का, मीडियम मोड से मतलब मेरा पहला मोटो ब्लॉग है। भाई 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 थोड़ा साइड साइड। ये देखिए गाय, अगर आप इस रोड पर आपारासाम जाते हैं, मतलब डिब्रूगढ़ साइड जाते हैं, जोरहाट माजुली उस साइड पर जाते हैं, बाइक या गाड़ी से जा रहे हैं, अब थोड़ा कंसंट्रेट रोड पर देना पड़ेगा। बहुत ही केयरफुल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाय बकरियां रोड पर आ जाते हैं। MSK भाई जब आसाम आए थे उस टाइम पर तो इस काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही मतलब गाय के साथ एक्सीडेंट होके गिर गया था। शायद आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग MSK भाई को फॉलो करते हैं तो। यहाँ से जोरहाट 131 किलोमीटर, वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क NH715 new। ये क्या है मतलब मेरे समझ में नहीं आया, NH715 new। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो इतना पता है कि ये NH37 है। तो हम लोग फिर से जा रहे हैं जखलाबंदा टाउन पर, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम लोग जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं वो जगह उस साइड पर नहीं है। काजीरंगा से बाहर आ गए हैं हम लोग, फिर से जखलाबंदा टाउन पर जा रहा हूँ। वहाँ से लेफ्ट साइड पर कहीं पर मतलब जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक छाड़ी अली मिलती है, वहाँ से ही अंदर जाना पड़ेगा। तो हमको जाना है यहाँ से जाने से मिलेगा हमको जिस जगह पर जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ वो जगह। यहाँ से आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, कभी भी नहीं गया इस रोड से। पता नहीं इस रोड से क्या मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं। जखलाबंदा टाउन के बीचों बीच से जाना पड़ता है। हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, बस हमको इतना पता है कि जखलाबंदा टाउन से हम स्ट्रेट आ रहे हैं। जखलाबंदा से फुल ऑन गांव के बीचों बीच से जा रहे हैं। सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है, ये तो बवाल चीज़ है भाई। ये लोग टी गार्डन से काम करके घर वापस आ रहे हैं, टी गार्डन से आ रहे हैं, मतलब पूरा दिन काम किया अभी शाम को घर वापस आ रहे हैं। ये चिकोनी साबागिसा। हेलमेट किधर है तुम लोग का, हेलमेट किधर है, हेलमेट किधर है? हाँ, ये तो मतलब विदाउट परमिशन हम लोग अंदर आ चुके हैं। सीधा जाते हैं, आ जाओ। टी की लीव होते हैं ये सब ट्रैक्टर पर डाल रहे हैं, फिर यहाँ से जाएगा फैक्ट्री पर। सब लोग चाय पत्ती लेके आ रहे हैं बागान से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये रोड कहाँ पर जाते हैं हमको तो मालूम नहीं, हम भी फ्लो में जाते हैं। एंड बहुत सारा वर्कर्स काम करते हैं इस गार्डन पर, सब लोग इतना धूप पर काम किया। सोचो हम लोग मतलब घर पर रहते हैं एंड हम लोग को इतना ज़्यादा गर्मियाँ लगते हैं, एंड ये लोग इतना ज़्यादा धूप पर पूरा दिन काम करते हैं टी गार्डन के अंदर। जगह तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे, क्योंकि अप एंड डाउन्स मिल रहा है। ये देखिए गाइस कितना बड़ा पेड़ है ये, इसका जो छाव है कि बहुत जगह लेके। ऊपर जाने का कोई रोड नहीं है बाइक लेके। तो हम लोग आके कुछ इस तरह की जगह पर पहुंच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, बहुत ही बड़ा एरिया है। ये देखिए पेड़, इस पेड़ को हम लोग आसामीज में बोलते हैं आहत गॉस, गॉस मतलब पेड़, तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। आज तक मैंने आसाम में इतना बड़ा गार्डन नहीं देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। आप लोगों को तो रोड दिखा ही दिया था कहाँ से आए थे हम लोग, हैं यहाँ पर नियामुल भी आए हैं, आकिफ भी आए हैं, बट कोई भी हेलमेट नहीं लगाया, कोई डिफेंस से देख रहे हैं, कोई पुलिस वाला देख रहे हैं। तो प्लीज़ इन लोगों के नाम पर घर पर भेज दीजिए,
फाइन चालान काट दो। तो अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके कुछ फोटो शूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दो फोटोग्राफर लेके आया हूँ, पर्सनल फोटोग्राफर है ये लोग मेरा। तो थोड़ा ऊपर जाते हैं। वैसे भी हमको ट्रैकिंग के नाम सुनते ही आजकल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा तुमजंग ट्रैक इतना मतलब आसान नहीं, मतलब इतना इजी नहीं। तो वो ट्रैक करके आ गए हैं। अभी कुछ दिनों से हम सुबह सुबह उठ के रनिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि हमको जाना है जुको वैली। जुको वैली पर कम से कम 6 to 7 hours वॉक करना पड़ेगा। बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है यहाँ पर, तो थोड़ा ऊपर जाने के लिए ट्राई करते हैं। मतलब आँखों से जितना दूर देख सकते हैं आप, उतना दूर तक आपको टी गार्डन ही देखने को मिलेगा। इसके ऊपर उठते हैं। कहाँ पर आ गए? यहाँ पर करेंगे हम फोटोशूट। आज हम थोड़ा खतरों की खिलाड़ी बन रहे हैं। हल्ला, अगर गिर जाऊँगा ना मर जाऊँगा मैं, अगर गिरा तो मरा। तो हम लोग यहाँ पर सनसेट देख के यहाँ से जल्दी जल्दी निकल के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जहाँ से आए थे वहाँ पर एक बड़ा सा गेट है। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग एक कमेंट करना एंड शेयर कर देना, ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए। ऐसे ब्लॉग अगर आप लोगों को चाहिए और देन आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी मेरे पास मोटो ब्लॉगिंग पूरा सेटअप है। तो अगर डेली ब्लॉग्स चाहिए आप लोगों को, अगर डेली ब्लॉग्स मतलब मैं घर पर ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, हागना नहीं है मुझे यूट्यूब पर, अगर मैं घर से बाहर कहीं पर जाता हूँ निकल के, देन आप लोगों को डेफिनेटली ब्लॉग मिलेगा। तो यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, इसी वजह से वो जो गेट है वो पूरा दिन खुला रहता है, एंड शाम को आई थिंक बंद कर देते। अगर अभी बंद कर दिया तो हम लोग को प्रॉब्लम आ जाएगा जाने में। यहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, मतलब टी गार्डन की जो मैनेजर होता है, उनको जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। बाय द वे, आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल फैला देना। मतलब असम में बहुत खूबसूरत जगह है, एंड इस ब्यूटीफुल जगह से बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।